कल दो युवकों ने एक युवक को बहुत ही बेरहमी से मारा जो कि जात से था। ये क्या कर रहे हैं कोतवाल साहब? ये क्या कर रहे हैं? मैं बहुत बेगुनाह हूँ। चल थाने बताता हूँ तुझे। कोतवाल साहब मैं क्या गुनाह है बताइए? चल थाने बताता हूँ पहले तू। चल मैं बेगुनाह हूँ कोतवाल साहब। ये अंधा कानून है, ये अंधा काने कितने लोग सड़े, सूली पर निर्दोष चढ़े, ये अंधा कानून है। जब से ये नया एक्ट आया है तब से न्यूज भरा पड़ा है एससी एक्ट लगने से। कोई एसडीएम के ऊपर लगा रहा है, कोई डीएम के ऊपर लगा रहा है, कोई मंत्री के ऊपर लगा रहा है, कोई प्रधान के ऊपर लगा रहा है, कोई टीचर के ऊपर लगा रहा है, कोई प्रिंसिपल। ऐसी कुछ न्यूज़ का नाटकीय रूपांतरण मैं आपको दिखाने वाला हूं, जिसमें कुछ कॉलेज के छात्र एक स्कूटर पर बैठे होते हैं, जिसका स्कूटर का मालिक वो दुकान पर गया होता है। जब वो दुकान से वापस आता है उनसे हटने की मांग करता है कि हमारा स्टैंड, हमारे गाड़ी का स्टैंड कमज़ोर है, कृपया हट जाइए। वो वाद विवाद करते हैं, उससे बदतमीज़ी करते हैं, और जब बात बढ़ जाती है, उनको नागवार गुजरती है, तो वो लगा देते हैं उस पर एससी एक्ट। तो देखिए इसका नाटकीय रूपांतरण। अरे वाह, शॉप ही मिल गया, सामान ले लेता हूँ। अबे छोटे यहीं आके बैठते हैं यार। हाँ ये किसकी मोटरसाइकिल है? बैठिए किसी की भी हो। अरे बैठा जाए यहीं पे। अरे वाह बढ़िया, किसकी मोटरसाइकिल है भाई? ए धनिया चाय वाले का भैया। हाँ भैया, कहाँ है भैया? आप लोग उस पर हट जाएंगे, थोड़ा बाइक मेरी थी, स्टैंड भी थोड़ा। देखते हो कौन बैठा है। अरे आराम छोटे, आराम से, नया है। अरे क्या दिक्कत है भाई, सही तो है स्टैंड। टूट जाएगा, आप लोग इस तरह बैठे उस पे। नहीं टूटेगा, नहीं टूटेगा, आराम से बैठे। टूट जाएगा तो बनवा देंगे, क्या दिक्कत है? इस तरह रिएक्ट क्यों कर रहे हैं? मतलब मैंने कुछ, मतलब आप लोग का बिगाड़ा है क्या? भैया मैं बोल रहा हूँ हट जाइए, स्टैंड कमजोर है और मुझे जाना भी है। कमजोर नहीं यार, चल जाएगी, क्या दिक्कत है? थोड़ी देर वेट करो, भैया बैठे अभी थोड़े जाएंगे आराम से, क्या दिक्कत? देर हो रही थी जाना था घर पे। देर हो रही है तो ट्रेन पकड़ लो, हवाई जहाज पकड़ लो, चले जाओ। इस तरह बोल रहे जैसे ये आपकी बाइक है। तो हमारी बाइक नहीं, तो पब्लिक में खड़ी बाइक, पब्लिक है, हमारी बाइक हो गई, क्या दिक्कत है? देखो छोटा और क्या, हम लोग आप लोग नहीं हटेंगे यहाँ से। नहीं हटेंगे तो नहीं भैया, हटेंगे तो नहीं, अभी बैठे हैं, थोड़ा सिगरेट पी लेंगे, चले जाएंगे, वरना गाड़ी उठाना लेते तो चले जाने, क्या दिक्कत है? साफ साफ गुंडे ही पूरी, मैं साफ से बोल रहा हूँ। कह रहा गुंडे ही, छोटा देखो गुंडे ही कह रहा है। गुंडे ही तो है भैया, गुंडे ही तो है। मतलब लॉ का मतलब इधर कुछ ही नहीं, पुलिस का मतलब लॉ, कानून अंधा है, कानून अंधा है भैया। भैया मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हट जाइए यहाँ से, हट जाइए, हट जाइए यहाँ से, मुझे जाना है। यहाँ क्या कह रहे हो? यहाँ से हट जाइए, मुझे जाना है बाइक लेके अपनी, स्टैंड भी कमजोर है, टूट जाएगा। तुमको लग रहा है बदतमीजी कर रहे हैं? लग तो रहा है थोड़ा है? थोड़ा सा तो लग रहा है, कर रहे हैं। ये है बदतमीजी, क्या करोगे? मैं पुलिस को बुला दूंगा। पुलिस घंटा, पुलिस क्या करेगी? बुलाओ पुलिस को, पुलिस को बुलाएंगे छोटे, बुलाने दीजिए। पुलिस को बुलाएंगे। हेलो। हाँ हेलो, पुलिस जी। अरे मैं इधर ये किराना स्टोर पे, आप इधर आ जाइए, कुछ गुंडे मुझे परेशान कर रहे हैं। ठीक है, आ रहा हूँ। ठीक है सर।
भैया पुलिस को तो मैंने फोन कर दिया है, आ रही होगी कभी भी। छोटे लौंडे ने तो पुलिस को फोन कर दिया है। आने दीजिए दादा पुलिस को, बहुत पुलिस ऐसे आई चली गई। सही कह रहे छोटे, चलो देखते हैं। दरोगा साहब यही दो, क्या मामला है, किसने फोन किया था? यही दो लड़के हैं जो परेशान कर रहे हैं मुझे, मेरी बाइक। हमने कॉल किया था। हाँ जी, क्या है, क्या मामला है? अरे दरोगा जी, ये तब से हमको परेशान कर रहे हैं, हम लोग यहाँ बैठे हुए थे, ऐसे जा रहे थे, ये गाली दे रहे हैं, कह रहे हैं जाति और सूचक शब्द का यूज कर रहे हैं, वो जाति के हमको गाली दे रहे हैं। ये तो कह रहे हैं गाड़ी नहीं खाली कर रहे हैं। नहीं गाड़ी कहाँ, हम जो जा रहे हैं, कह रहे हैं तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो गई, नीचे जा, पता नहीं क्या, हमारी जात को गाली दे रहे हैं। नहीं हमने कुछ किया था छोटू, बताओ। वही है जात सूचक हमको किए परेशान। नहीं 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 झूठ है। मैं दे दूँ दरोगा साहब, आप मेरी क्यों नहीं सुन रहे हैं? दरोगा साहब सुनिए तो मेरी बात, चल मेरी बात तो सुनिए, मैं निर्दोष हूँ। गलत हो रहा है, देखा छोटे मजा आ गया। ये कहते हैं क्या करेगी पुलिस, लगा दिया ना इसको, फंसा दिया ना झूठे इल्जाम में। जी अंदर गैस ही एक्ट, अब जब तक जमानत होगी तब तक 2 साल लग जाएंगे। बहुत सही दादा, बहुत सही। अरे कानून लगा है तो फायदा उठा ले, हलवा मिला है खा लेते हैं। अरे मजा आता है। ये अंधा कानून है। दूसरा सीन हमारा है जिसमें कि टीचर और प्रिंसिपल के बीच में है, ये सत्य घटना पे है, न्यूज में आ चुका है, जिसमें कि टीचर बार बार गैर हाजिर रहता है, बार बार एब्सेंट रहता है, वो प्रिंसिपल से बदतमीजी करता है, प्रिंसिपल को साफ जवाब नहीं देता, अपनी मनमानी करता है, और प्रिंसिपल के मना करने पर, समझाने पर वो धमकी देता है एससी एक्ट लगाने की। जी हाँ, देखिए इसका नाटकीय रूपांतरण। तामुर जी, इतना लेट कैसे है? आधा घंटा ही तो लेट हुआ है। आधे घंटे में क्लास ओवर हो जाता है। प्रणाम गुरु जी। आज 1 घंटे लेट? 1 घंटे लेट है चाहे 2 घंटे, जा टोकर टाकी ना किया करो। ये कौन सी बात करने की तमीज है? तमीज ना सिखाओ, लगा देंगे सेट, साइड तमीज घुस जाएगी, साइड तमीज घुस जाएगी। फिर कोई बात ही नहीं है, करो अपनी मर्जी की। हाँ तो करेंगे। अरे गुरुजी, कल केशव प्रसाद जी आए थे, उनके लड़के का एडमिशन हो जाना चाहिए। अरे उनका तो बहुत, उनके लड़के का तो बहुत नंबर कम है, कहाँ से एडमिशन हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। कैसे नहीं हो पाएगा, अभी जब सीट लगाएंगे तो सब होने लगेगा। कल समझा, समझ नहीं आया क्या? गुरुजी हमको 1 महीने की छुट्टी चाहिए। 1 महीने के? 1 महीने की ऐसी छुट्टी मिल सकती है? देखो ऐसा है, प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल रहा ज्यादा उड़ूंगा, एक बार समझा, समझ नहीं आ रहा है क्या? जो तुम कहोगे वही करूंगा। बिल्कुल करेंगे, कुछ कर लोगे क्या? इस टीचर से तो मैं तंग आ गया हूँ, क्या करूं मैं, SDM DM सबको लेटर लिखा लेकिन कोई कार्रवाई नहीं, इस तरह चलता रहा, सच में एक दिन सिखाई देगा। ये विडंबना है हमारे समाज के कानून व्यवस्था की, कि जो कानून के हाथ समाज की रक्षा के लिए है, वही कानून के हाथ निर्दोषों का गला दबा रहे हैं। SC ST वर्ग के लिए, सुरक्षा के लिए कानून तो बना दिया गया सख्त, पर क्या ऐसा कोई कानून बना है जो कि इस तरह के कानून से खिलवाड़ करने वालों के ऊपर भी लगाया जा सके, ताकि अगर कोई इस कानून का फर्जीवाड़ा करता है, दुरुपयोग करता है, कोई गलत तरीके से किसी को फंसाता है, किसी निर्दोष को फंसाता है अपनी, अपने अहंकार, अपनी स्वार्थ के लिए या किसी दूसरे के स्वार्थ के लिए, तो उसके लिए भी कोई सजा हो। सजा ऐसी नहीं, सजा सख्त से सख्त होनी चाहिए, ताकि कोई किसी निर्दोष को जबरदस्ती इस केस में ना फंसा सके, कोई इसका मिसयूज ना कर सके, कोई कानून से खिलवाड़ ना कर सके। क्योंकि कानून ही कहता है कि 100 गुनहगार छूट जाएं, पर किसी एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। इस नए SC एक्ट के बारे में आपकी क्या राय है, क्या सोचते हैं आप इसके बारे में, अच्छा या बुरा? क्या आपके आसपास भी किसी निर्दोष को फंसाया गया है? क्या आपके आसपास भी ऐसा गलत हो रहा है? तो हमें कमेंट करके बताना ना भूलिए। कहने के लिए बहुत कुछ, पर आज के लिए मेरी यही चुप। जय हिंद, जय भारत।